वेलकम बैक टू हिस्ट्री इन्फो। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं चांद बौड़ी। चांद बौड़ी एक बीजापुर की मशहूर बौड़ी है, जिसे अली आदिल शाह वन ने 1579 में बनवाया था अपनी बीवी के लिए, यानी कि चांद सुल्ताना के लिए, जो अहमदनगर की राजकुमारी थी और निजाम शाह इनकी हुसैन निजाम शाह इनके बेटी थे। इस बौड़ी की तामीर काफ़ी खूबसूरत तरीके से की गई है। इसी को देखते हुए ताज बौड़ी की तामीर भी की गई है। हालांकि ये उससे छोटी है, मगर उससे पहले की ये बौड़ी है, इसके बाद ताज बौड़ी को बनवाया गया इब्राहिम आदिल शाह टू ने, मगर इस बौड़ी की तामीर अली आदिल शाह वन ने अपनी बीवी चांद सुल्ताना के लिए बनवाया था, जो एक इंडिया के नोबेलिस्ट वुमेन थे। चांद बीबी एक मशहूर हस्ती थी। इन्होंने ही बीजापुर और अहमदनगर को अपनी काबिलियत के दम पर बचाया था। ये देखिए, ये वो मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ पे यो कमान से आगे जो दिख रहा है, ये अभी हमेशा बंद रहता है। इसके सराउंडिंग फिनिशिंग की गई है और कंपाउंड वॉल बनाया गया है, ताकि लोग अंदर ना आ सके। इसलिए इसको हम यहाँ पर जो मस्जिद मौजूद है, चंदा मस्जिद यानी चंदा बौड़ी की मस्जिद, और एक यहाँ पर मकबरा भी है, वहां से हम इसको कवर कर रहे हैं। ये खूबसूरत सी बड़ी बौड़ी है, इसके अंदर काफी सारे रूम्स थे और सराया भी हैं। ये देखिए, वो सामने एक मकबरा दिख रहा है। ये देखिए इसकी खूबसूरती। अभी यहाँ पर पानी काफी सारा है, इसके नीचे और एक नीचे ऐसा ही सेम फाउंडेशन, यानी कि ये दो टू स्टोरेज है, ये अपर स्टोरेज है और एक नीचे स्टोरेज है, दो स्टोर का ये बौड़ी है। ये देखिए कंपाउंड वॉल। अब हम आए हैं यहाँ का वो मकबरा देखने के लिए, जिसे लोग बोलते हैं कि यहाँ के पुराने लोग, ये चंदा बीबी की मज़ार है। ये चंदा बीबी कौन थे पता नहीं, क्योंकि चांद सुल्ताना यानी चांद बीबी की कब्र तो अहमदनगर में मौजूद है, तो ये किसी की कब्र होगी। इस मकबरे को भी अली आदिल शाह टू ने, और इसके अलावा यहाँ पर एक मस्जिद है, इसकी तामीर भी अली आदिल शाह वन ने की थी। इस मकबरे के अंदर हम आगे दिखाएंगे दो मजारे हैं। दोस्तों, ये शाहपुर दरवाजे से काफी करीब है और हैदर बुरुज से भी काफी करीब है। ये देखिए अंदर के दो कब्रें, यहां पर भी एक गेट है, हम अंदर जा नहीं सकते, इसीलिए आपको बाहर से ही बता रहे हैं। यहाँ पे एक दो कब्रें हैं। एक मकबरा है छोटा सा हमेशा की तरह, एक बौड़ी, एक मकबरा और एक मस्जिद। बीजापुर आदिलशाही डायनेस्टी की एक निशानियां, जो उस दौर के सुल्तान यानी किंग्स बनवाए थे, ताकि इनको सवाबदारन इनके मरने के बाद में हासिल कर सके। ये देखिए, अब हम आए हैं वो खूबसूरत सी मस्जिद देखने के लिए, जिसे आज लोग चंदा बौड़ी मस्जिद बोलते हैं। इसके सराउंडेड कंपाउंड वॉल है, हाइटेड। इसकी हाइट कंपाउंड वॉल की तकरीबन 20 फीट है। एक खूबसूरत सी मस्जिद है, तीन कमान वाली। ये देखिए उसका एंट्रेंस गेट। ये देखिए वो मस्जिद का नजारा, दो मीनारे हैं मेन एंट्रेंस गेट को, और सराउंडेड कंपाउंड वॉल है। इसके अंदर ही वो मकबरा और एक मस्जिद भी मौजूद है।
अब हम अंदर जाएंगे। ये देखिए एक मीनारे की मस्जिद है, ना कि गुम्बज की मस्जिद। यहाँ पे वजूखाना है जो अभी बनाए हैं, पहले का नहीं है। अब इसका अंदर का नजारा हम आपको बताएंगे। देखिए अभी वो मस्जिद एक्सटेंड की गई है ताकि और लोग इसमें नमाज पढ़ सके। पहले की एक छोटी सी मस्जिद है तीन कमान वाली, और ये एक्सटेंड की हुई मस्जिद है। यहां से उस एंट्रेंस गेट का नजारा देखिए। ये देखिए आदिलशाही डायनेस्टी के निशाना। एक छोटी सी खूबसूरत सी मस्जिद है। ये देखिए और ये मेहराब का। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इसी तरह के वीडियो आगे बता सकें। ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन वगैरह किया गया है। ये मेहराब। बेहतरीन मस्जिद।